पहली रील 10 मिलियन, पहला कंटेंट एक्चुअली जो 10 मिलियन गया है। हर्षिल कहता घर से निकलता ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, किस्मत ही खराब है। मैं बोले तुझे चलानी नहीं आती गाड़ी। हेलो, तेरी गाड़ी स्कूटी से घसी थी? स्कूटी को लगी थी। हाँ, स्कूटी का जो टेल सेक्शन होता ना, वो मेरे बम्पर को लगी। अच्छा ठीक है, मतलब आजा तू आजा। अब ये देख भाई साहब, जस्ट सीन हर्षल्स क्वीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वॉज हिटिंग अ स्कूटी। द कलर इज अमेजिंग, बेटर देन द वीडियो, होप द मैटर इज सॉर्टेड। आधे घंटे पहले आया ये, उधर उसने गाड़ी ठोकी, इधर कमेंट आ गया कि हर्षल ने गाड़ी ठोकी है। सोच स्पीड, सोच रहा है तू? जिसने कमेंट किया भाई, आप न्यूज रिपोर्टर बनो भाई, सूफियन शेख। आप बहुत फास्ट हो। 10:20 पे एक्सीडेंट हुआ है, 10:30 बजे मैसेज आ गया, बता खुफिया जनता। मुझे फोन आया था ना, बम्पर पेंट करना है, आज है क्या स्लॉट? हला आज नहीं है। तुम्हारी न्यूज आई कि तुमने किसी स्कूटी वाले को उड़ा दिया, तेरा मैसेज आया उससे पहले हमें न्यूज आ गई। अब बता, उसने तुझे ठोका या तूने उसे ठोका? मेरी ठोका उसको। स्लो ही थे, ब्रेक मारा था 10-15 की स्पीड पे, सिग्नल जस्ट सामने ही था, उससे पहले हो गया। रिक्शा वाला उसके सामने आ गया अचानक, उसने अचानक से ब्रेक मार दी। उसने ब्रेक मारा, तूने ब्रेक मारा, टच हो गया। अभी यार वो गणेश बोला कि 2-3 दिन बाद लगेगी बम्पर पेंटिंग। चल तू ठोकता रहे, हम बनाते रहेंगे। चल कर दो ना जल्दी, बर्थडे आने वाला है, बर्थडे से पहले गाड़ी रेडी चाहिए। चल जा एडिटिंग करवा उसको, चल जा। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हर्षल ने गाड़ी ठोकी। उसी कुछ ही मोमेंट बाद ना किसी ने कमेंट। हाँ, वो कमेंट मैंने पढ़ा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। वो आज की बात है? अभी की। अच्छा ये सही है? अरे तुमने और वो कर दिया। नहीं मैं देख रहा था, वो निकल आया। तो और तड़पेगा वो, देख ले। 10 मिनट का बोलता बर्थडे है, रुकना, बोलता बर्थडे है मेरा 12 तारीख को, गाड़ी टिप टॉप होनी चाहिए। हाँ। बीच में डाल के मार दूंगा। चल गणेश बोला हो जाएगा, पर उसने एक मम्मी और बच्चे को उड़ा दिया। अरे उड़ा का दिया यार, वो गिरे थे यार, गिरे यार, चोट नहीं लगी ना? नहीं, सब ठीक ना? ये गाड़ी आपने कुछ व्लॉग्स पहले देखी होगी, ये बम्पर हमने रिपेंट किया क्योंकि ये कस्टमर जब गाड़ी लेकर आए थे तो यहाँ डैमेज हुआ था, जिस वजह से बम्पर उन्हें बाहर रिपेंट कराना पड़ा था। बहुत ही खराब क्वालिटी का पेंट जॉब हुआ था, हमने इसको रीफिनिश किया, रिपेंट किया है और पूरी गाड़ी पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन किया है गरवारे का। तो सर हमारी सर्विस से बहुत खुश है, तो अभी हम बस गाड़ी को डिलीवरी कर रहे हैं।
जो दोनों पैनल डैमेज थे अभी पीपीएफ हम लोगों ने बदल दिया है, काम पूरा हो चुका है, आधे घंटे में गाड़ी की डिलीवरी है। ये सारा डैमेज जो हमने बिफोर में वीडियो में देखा था पीपीएफ ने पूरा ही बचा लिया। डेंट्स एक ऐसी चीज है जिससे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी से गाड़ी घस जाती है या पिलर से गाड़ी घस जाती है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये डैमेज पीपीएफ बचा लेता है। दूसरी जो चीज मैंने बताई थी, कल दोपहर को ये गाड़ी हमारे पास आई और आज 12 बजे ये डिलीवर हो रही है। हमने इस पे 4 से 5 घंटे काम किया, तो पीपीएफ का दूसरा एडवांटेज ये है कि काम फटाफट हो जाता है। अगर कोई कहीं स्क्रैच आया कुछ है, ऑल यू नीड टू डू इज रिप्लेस द पीपीएफ और पेंट करने की जरूरत फिर उस केस में पड़ती नहीं है। बट हाँ, डैमेज अगर बड़ा होगा तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख के आपको भी समझा होगा कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है, इसमें पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये अगर कस्टमर को ठीक करना था तो पड़ती, पर वो भी बहुत ज्यादा एज सच नहीं दिख रहा है। ये इंडिविजुअल क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। अगर किसी को बॉदर नहीं करता है तो डायरेक्टली लग सकता है, अगर ये डेंट बॉदर करता है किसी क्लाइंट को तो फिर हमें इसको पेंट करना पड़ेगा। सॉरी, कस्टमर आए हैं अंदर, उनके बच्चे भी आए हैं, मेरे ख्याल सब्सक्राइबर है, तो लड्डू वगैरह लेकर आए हैं, तो बोला परीक्षित सर को स्पेशली बुला उनको देने लड्डू। इनका पतंजलि का स्टोर है, बेसन के लड्डू रहेंगे, आरोग्य पौष्टिक लड्डू, स्वीटेंड आटा बॉल्स विद आलमंड्स एंड हर्ब्स, देखना। कहता है मेरा बेटा वो छोटू सा जो साथ में था, बोला रात को 11 बजे आता हूँ आपके वीडियो चालू करा देता है। अभी हमने अर्टिगा बुक की है, बोला इसका कलर चेंज करेंगे, मैं बोला नहीं होता, बोला नहीं नहीं मैं दिखाता हूँ ना, होता है ना, बेटा बोल रहा है। छोटे से वो कल अपनी XUV500 ला रहे हैं, उनको शायद डिटेलिंग कर लूंगा। मेरी दादी ऐसा आटे के लड्डू बनाती थी, मेरे को वो एकदम याद आ गया। थैंक यू सर। पापा हम छोटे थे, अम्मा आटे के लड्डू बनाती थी, हैं याद है? ये खा के देखो वैसा है, ये उसका 10% भी नहीं। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं बहुत साल बाद खाया, ये पतंजलि का है, वो नीचे वो सब्सक्राइबर लेके आया। मेरे को एकदम से वो याद आया कि छोटा था तो ऐसे आटे वाले लड्डू बना दी थी। पापा को बोला पापा अम्मा लड्डू बनाती ना आटे का, ये खा के देख। ए, अम्मा क्या लड्डू बनाती थी, ये क्या है? और बोलते ये उसका 10%। यू थिंक इम्प्रेसिंग अस इज डिफिकल्ट, यू शुड मीट पापा। मैं जा रहा हूँ अभी नीचे, गणेश ने अभी तक सैलरीज फाइनल नहीं की है, वो नीचे एक के बाद एक कस्टमर आए जा रहे थे। राघव ने बोला है उसको तू देख सैलरी का, और मैं जा रहा हूँ कस्टमर से बात करने। अभी फाबिया को हम लोगों ने रेडी तो कर दिया है, मास्किंग अंदर चल रही है, पर आज हम इसे पेंट नहीं करने वाले। रात को रुक के कर सकते थे, पर धुना का शेड्यूल, मतलब जो हमारा सीनियर पेंटर है धुना, उसका कल का शेड्यूल कुछ अभी तक इतना डेंटर लोग की तरफ से गाड़ियां आई नहीं है। कल वो थोड़ा सा फ्री है, अगर ये गाड़ी मार लेता है वो तो कल वो ज्यादा ही फ्री हो जाएगा, तो वो ना हो इसके लिए हम ओवरटाइम ये नहीं करेंगे, ये गाड़ी कल ही मारेंगे। काम मैनेज करते हुए शेड्यूलिंग देखना बहुत जरूरी है। अब पूरी टीम में से एक भी लेवल पे अगर कहीं काम रुक जाता है तो अगले वाले को प्रॉब्लम होती है, तो हम अपना ही अंदर फैक्ट्री चला रहे हैं और इसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ जब इतना सब कर ही दिया है तो खुलवा ही देते हैं। खुलवा हमारे पास हमारी गाड़ियों के लिए स्लॉट नहीं, स्पॉट के लिए जगह नहीं है उसकी बेचारे की। नहीं नहीं है, जगह है, बहुत जगह है। पहले ऑक्टिवा लेनी है ना, ऑक्टिवा लेके खत्म करना है फटाफट पेंटिंग के लिए। इसके पार्ट्स तो हम ऑर्डर डाल दें, अभी देख छोटे छोटे हैं, अभी आलम को बुला ले, अभी ये खत्म करते हैं ये भी लेके, और जल्दी ऑक्टावे भी डाल देंगे, एक्सयूवी को भी खत्म करते हैं। हाँ, एक्सयूवी इसको तो बाद में ही करेंगे, बट एटलीस्ट देख अभी ये सब खराब हो गया है, ये सब अपने को लगेगा, तो एटलीस्ट अपने पास ऑर्डर वो सब रहेगा, फटाफट आ जाएगा टाइम पे, तो गाड़ी वेट नहीं करेगी। दूसरा मैं ये पूछ रहा था, अब एक्सयूवी के लिए कोई अड़चन है क्या? क्लैडिंग टूटी थी, क्लैडिंग का क्या हुआ? पार्ट्स आ गए इसके, 90% क्लैडिंग आ गई, हैंडल सिर्फ बाकी है, बाकी क्लैडिंग आ गई है, हैंडल बाकी है। तो अभी एक काम कर, पहली बात तो इसको अंदर डालते हैं, I-20 को बाहर ले, वो पेंट हुई हुई है, खड़ी हुई है, इसको अंदर डाल देते हैं।
800 से सीधा पजेरो। भाई मेरे को ना ये बाइक से बहुत डर लगता है कसम से, मैं खड़े होके कर लूंगा, मेरे को बैठ के डर लगता है इसमें। इसका सामान मंगाया है क्या? सब कुछ आ गया है, सिर्फ हैंडल नहीं आया है। नहीं, ये क्लैडिंग आ गई है, दरवाजा आ गया, वहाँ रखा हुआ है वहाँ सामने। तो काम शुरू करवा रहा हूँ कल सुबह में। किसको दे रहा है काम ये वाला? कोई भी कर लेगा, ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं करने। नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। बोनेट का क्या किया तुमने? वो बोनेट पे हम लोगों ने वो मारा है, पीलेबल मारा था ना। टेस्टिंग करना है, ये जब तक रेडी होगी मेरा वो काम हो जाएगा, लास्ट में बिठा दूंगा। नहीं, क्या हुआ उसका? इफेक्टिव है कुछ? है अभी तो सिर्फ पेंट किया है मैंने, उसको कल टेस्टिंग के लिए लेना है। ये रहा दरवाजा। एक दरवाजा चेंज हो रहा है क्या? हाँ, एक्चुअली वो भी रिपेयरेबल था, वो सर्वेयर ने उसको, दरवाजा एकदम सही था वो, जो उसने दिया उसने दिया। ये वो ग्रीन होने के लिए आई है गाड़ी, क्लीन गाड़ी है एकदम, डेंट्स वगैरह भी कुछ नहीं, ज्यादा है दो चार डेंट्स है पर ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रीन कौन सा? हमारा वाला ग्रीन हो रहा है? नहीं, हमारा तो येलो टोन में, इसका पोर्शा का पाइथन ग्रीन। कल दो लड़के आए थे उड़ीसा भुवनेश्वर से, मिला नहीं तू? नहीं, मैं ऊपर मीटिंग में था, वो तो काफी देर वेट कर रहे थे। आपसे मिल के गए ना? हाँ, फिर बोले फोटो खींचना था, मैंने बोला मेरा चलेगा, बोले हाँ चलेगा ना अंकल, फिर मेरे साथ खींच के लेके गए वो लोग। हम लोग की कोशिश रहती है भाई कोई आए तो मिले, बट क्या है ना ये हमारा दिन भर का जॉब है तो हम सबसे मिल नहीं पाते। बड़े खुश हो गए उड़िया सुन के। अब मेरे से सारे पूछते हैं, अभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं बीच बीच में डालते हैं कि आपको उड़िया कैसे आती है। एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप भुवनेश्वर का ही हूँ, उसके बाद हम लोग दिल्ली शिफ्ट किए थे, दिल्ली से फिर यहाँ आ गए। मुझे उड़िया तो आती ही आती है, बंगाली भी आती है, बंगाली भी 90% बोल लेता हूँ, बाकी तेलुगु भी बोल लेता हूँ 50%, मराठी थोड़ी थोड़ी आती है, बोलू सकत नहीं पर समझू सकत। पंजाबी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उड़िया आती है, बंगाली आती है, तेलुगु आती है। इससे बात करो ना, ये तेलुगु भाई है। कौन? तेलुगु वस्तार है नीको? हाँ, ना तेलुगु। यकड़ा मी ऊरु? रेगलचल गाने। हाँ, आंध्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र यकड़ा? प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। अनिने एल्लनु अकड़ा प्रकाशम। तो ये एक चीज है जो पापा की, भाई ना मेरे में है ना राघव में है, मेरे को हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर समझ लेता हूँ जो कॉमन लैंग्वेज होती है, पर पापा 7-8 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। थोड़ी थोड़ी आती है, पूरा ऐसा नहीं है, काम चलाना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। कुंचो कुंचो उस्तंदे नाको। वो भी तेलुगु है ना? नहीं, कर्नाटका। कन्नड़? कन्नड़ कन्नड़। ये हमारा यूपी वाला भैया दुश्मन। क्या उसकी फिर से क्लास देखे कुछ? क्यों क्लास? कुछ नहीं, अभी अच्छा बहुत सुधर गया मालूम है। गणेश को बोला, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। क्रेडिट नोट वगैरह बनाना, अभी थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट जागा है। उसके सामने बोलो बेटा। हाँ जा, बोले सामने बोलता हूँ। तो भी सर कौन कौन चीज क्या बोल रहे? तोर तारीफ कर ले, तू उल्टा काम आरंभ कर दू जो के बोला ए कोच परा तो सामने रे कोची ठीक काम चालिबो ठीक ना? मो तारीफ कर ले उल्टा आइ जो पुणे जेन चलते सेम चल सेम चालिबो। हां अच्छा, कहां है परीक्षित? कल देखा था आपने ये क्या? एक छोटा बच्चा लेके आया था ये सब स्टिकर्स, जा ही नहीं रहा था यहाँ से, राघव से मिला रोने जैसा हो गया। पर भाई लोग, दिस इज नॉट एन इनविटेशन फॉर एवरीबॉडी टू कम हियर। होता क्या है, मेरे को मालूम है क्या होता है, मैंने बोल दिया कि एक जन आया हम मिले सब है तो फिर सब लोग आ जाएंगे, आते हैं ठीक है। क्या है देखो, ये दिस इज आवर डेली जॉब, हम लोग सुबह से रात यहाँ रहते हैं, मीटिंग्स रहती हैं, प्लानिंग रहती है, काम रहता है, तो हम लोग सबसे नहीं मिल पाते। अभी किस्मत वाली बात है, इसमें एटीट्यूड वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब मिलना नहीं चाहते, कोई आ रहा है तो हम लोग टाइम नहीं देना चाहते, बट हम लोग भी जेन्युइनली कभी बिजी होते हैं। अगर बैक टू बैक सबसे मिलेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन है आगे चल के, चलो आज तक तो हमने किया नहीं, बट आगे चल के हम लोग मीटअप करेंगे, तो जहाँ करेंगे वहाँ सब लोग एक साथ में मिल सकते हैं। ये मेरे झोले वाला खींचा ना मारो, इतना मारूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, अभी मार खाने। पापा का सबसे बड़ा दुख ये है, कहता पूरे वीडियो में मैं झोला लाते हुए दिख रहा हूँ और बाहर जाते हुए दिख रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ फोटो, एंट्री हो रही है, सही बता रहा हूँ। पापा बोलते मेरे को कुछ शांति सी रिंगटोन चाहिए। एक सेकंड, तू ज्यादा बोल मत, तेरे को हक नहीं है, तू नहीं लगवा के दी। अरे हाँ, तू साल में कितनी बार थोकता रहता है गाड़ियां? तेरे को पब्लिक आके मारती है ना? दो साल बाद थोका मैं, दो साल बाद थोका मैं। नहीं, हाथ हाथ मत लगा, हाथ मत लगा उसको, सीखने का मेरे से आराम से थोड़ा पूरा गिराएगा। अच्छा
देख क्या हुआ उधर। हाँ, वो आपने नाखून किया, वो उंगली से बाहर आ गया। मैंने नहीं किया, कानू भाई ने किया। नहीं, कानू भाई ने भी नहीं किया, वो निकल रहा है देखना पूरा। पता है वो फ्लेक्सिबल है ना बम्पर। हाँ, पेंट भी फ्लेक्सिबल है ना, देखना देखना कैसे निकल रहा है, देखना देखना कितना बड़ा हो गया, देख देखना निकले जा रहा है। यहाँ से भी निकालो, उदास हो गया बेचारा, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। गाड़ी बनती ही इसलिए है कि हम उसे ठोके और फिर दोबारा बनाए, है ना। सबसे बेस्ट, देखो दे नहीं रहा हूँ मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ, सबसे बेस्ट चुविंग गम है। शनिदेव की पूजा कर, सुन शनिदेव की पूजा कराना और काजू कतली एक किलो प्रसाद तो लगाना ही लगाना, और वो मेरे को लाके देना, मैं फिर उसका उपाय तक बताऊंगा। सही बता रहा हूँ, कुछ ना हो उसमें मैं तेरे को, अरे तू करके देख। और एक चीज कर, नहीं तो घोड़े की नाल जो होती है ना। हाँ, नाल क्या? घोड़े के पैर के नीचे जो लोहा होता है। नहीं, अरे सही बोल रहा हूँ, पागल है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, लोहे की हॉर्सशू, उसका रिंग बना के पहन, उसकी रिंग बनाते हैं लोग, बनाते हैं पहनते हैं स्पेशली। 2000 रुपए दे, मैं बनवा दूंगा। कमर में पहनते हैं अंकल जी, पागल है। कमर में घोड़े की हाथी की है, वो कमर में पहनते हैं। वो यू ना यू, उसको वो जिस पे पीड़ा होती है उसको कमर में पहनाते हैं ना, इतना बड़ा। हाँ, कमर में छेद कर देते हैं। चावल बनाने दिया था, क्या पूछ रहे तुम उसको, मैं ही समझता हूँ चावल को।